नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों यूनाइटेड अरब और नीदरलैंड के बीच जो फर्स्ट T20 मैच होने वाला है उसी मैच के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों यूनाइटेड अरब और नीदरलैंड के बीच जो मैच होने वाला है उसका डिस्कशन से पहले मैं आप लोगों से दोस्तों एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों कि दोस्तों ये मैच जो फर्स्ट T20 मैच है यहाँ पर अगर आपको प्लेइंग 11 पता होगा तो अगर आप सिर्फ टीम ही बनाओगे तो आप 100% विन कर जाओगे दोस्तों। हमेशा हर मैच की फर्स्ट मैच जो लीग होती है उसका जो फर्स्ट मैच होता है ना, फर्स्ट मैच में विनिंग चांसेस बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मैं यूनाइटेड अरब और नीदरलैंड के बीच जो प्लेइंग खेला मैच होने वाला है उसका जो प्लेइंग 11 मैं दूंगा वो पूरे के पूरे कॉन्फर्म प्लेइंग 11 होने वाला है और बाकी आप लाइनअप के बाद देख सकते हो दोस्तों। फिर भी मैं 99.9% आपको कॉन्फर्म प्लेइंग 11 दूंगा। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल का आइकॉन दबाए और मैंने नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ उसे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो क्योंकि लेटेस्ट अपडेट मैं वहीं पर डाल देता हूं दोस्तों। दोस्तों हम आगे तो फ्रेंड्स, ये मैच जो होने वाला है वो VR क्रिकेट ग्राउंड एम्सटेलविन में खेला जाने वाला है। और बात करते दोस्तों पिच रिपोर्ट की, तो ये पिच जो है ना वेरी विकेट टेकिंग पिच है, विकेट टेकर पिच है। तो आप अगर ग्रैंड लीग खेलते हो दोस्तों तो एक ग्रैंड लीग में आप 5 बॉलर और बॉलरों को कैप्टन वाइस कैप्टन करके जा सकते हो दोस्तों क्योंकि बहुत अच्छा विकेट टेकर ग्राउंड है। हम बात करते हैं दोस्तों मैच प्रीव्यू की, तो यहाँ पर का आप देख सकते हैं फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज स्कोर है 120 और सेकंड इनिंग का स्कोर है 94, यानी कि जो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा रन बना है 221 स्कॉटलैंड और नीदरलैंड के बीच, और सबसे ज़्यादा रन जो बना है सबसे कम लोएस्ट रन जो बना है ओनली 43 रन, वो भी 15 ओवर ओवर UGS और स्कॉटलैंड ओमेन के बीच। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये लो स्कोरिंग पिच है। बात करते दोस्तों हेड टू हेड कॉन्टेस्ट की, तो यहाँ पर से टोटल 5 मैच खेला गया है जहाँ से UAE ने विन किया है सिर्फ 2 और नीदरलैंड्स ने विन किया है 3। तो आप इसी के हिसाब से देख कर टीम बनाए दोस्तों। अब बात करते दोस्तों प्लेइंग 11 की, तो एट फर्स्ट हम बात करेंगे नीदरलैंड्स की प्लेइंग 11। तो नीदरलैंड्स की ओर से आपको मैं कौन से बैटिंग ऑर्डर और सारे के सारे डिस्कस एक साथ कर दूँगा दोस्तों। मार्क्स डोएड और स्कॉट एडवर्ड्स दोनों ओपनिंग करेंगे। इसके बाद दोस्तों स्टीव मेयरवर्क फास्ट डाउन बैटिंग करने आएंगे। कभी कभी दोस्तों मार्क्स डोएड और स्टीव मेयरवर्क फास्ट ओपनिंग कर सकते हैं और स्कॉट एडवर्ड्स फास्ट डाउन भी आ सकते हैं दोस्तों, तो ये तीनों फास्ट सेकंड थर्ड में आएंगे दोस्तों। उसके बाद आपको एनिटोनिया स्टील हिडेक ओवरजैक, उसके बाद पीटर सेलर जो कि इनका कैप्टन है और बहुत अच्छा बैट्समैन भी और बॉलर भी है साथ में, उसके साथ बेन कोपर, ब्रैंडम ग्लोवर, सिकंदर जफिकुल और विवियन किंगम। दोस्तों यही रहने वाली है नीदरलैंड्स की प्लेइंग 11। और नीदरलैंड्स की कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो दोस्तों आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है मैक्स डोएट, पीटर सेलर और स्कॉट एडवर्ड्स। दोस्तों यही तीनों आपको कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। और बाकी मैं प्लेइंग 11 जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां से देखकर भी टीम बना लेना दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों UAE की प्लेइंग 11, तो आपको रोहन मुस्तफ़ा और अशफाक अहमद दोस्तों दोनों ही आपको ओपनिंग करते नज़र आ जाएंगे। मोहम्मद उस्मान आपको फर्स्ट डाउन, उसके बाद रमीज सजाद सेकेंड डाउन और मोहम्मद बुड आपको थर्ड डाउन आपको बैटिंग करने आ जाएंगे। और जो लेड हिटिंग यानी कि फिनिशर की रोल करते हैं वो मोहम्मद नबीद जो कि कप्तान है, बहुत अच्छा बैटिंग ऑलराउंडर है, और गुलाम सबर
दोस्तों यही बैटिंग ऑर्डर है। उसके बाद बॉलिंग में आपको जहीर खान, वहाब आहमेद, अहमद राजा और सुल्तान अहमद, दोस्तों यही रहने वाली है। अब यूनाइटेड आरोस की कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो दोस्तों आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है रोहन मुस्ताफ और अशफाक अहमद, दोस्तों यही दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन, और मोहम्मद नवीद भी आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है अगर ज़्यादा विकेट गिर जाए दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों ड्रीम इलेवन टीम के बारे में। हम आ चुके हैं ड्रीम इलेवन में और बात करते हैं विकेट कीपर सेक्शन, तो आपको जी सबीर और एस एडवर्ड्स दोनों ही आपको खेलते नज़र आ जाएंगे, लेकिन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है एस एडवर्ड्स, तो आप एस एडवर्ड के साथ जाइए। आप बैटिंग सेक्शन में आपको मैक ओडवेट, एस मुबारक, आर सजाद, एम उस्मान, टी स्टील, एम बूट, बी कोपर और शफीक ये नहीं खेलेगा, तो इनमें से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है इसको इसको और यहाँ पर रहा शहजाद, रे शहजाद और आप एम उस्मान के साथ जा सकते हैं। बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन होता है आर मुस्ताफ, आसिफ अहमद दोनों ही ओपनिंग करने वाले हैं, तो ये भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों। और यहाँ पर से ए जबरदस्त ये नहीं खेलेगा, पी बोसिवन भी नहीं खेलेगा, सिकंदर ये खेल सकता है, तो ऐसा करते हैं दोस्तों एम उस्मान को हटा के यहाँ पर दो ऑलराउंडर और ले लेते हैं। बात करते हैं बॉलिंग में आपको एम नवीद कप्तान है, पीटर सेलर भी कप्तान है, दोनों बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे आपको, साथ में ए राजा नहीं खेलेंगे, बी किंगमा, एस खान, एस अहमद अहमद, एस ब्रत, क्यू अहमद ये नहीं खेलेगा, तो यहाँ पर से एम नवीद पीटर सेलर तो मास्ट लेना पड़ेगा, जहीर खान, एस अहमद। आप टीम पी भी देख लेते दोस्तों, दोस्तों देख सकते हो दोस्तों यही स्मॉल लीग के लिए ए टीम बेस्ट रहने वाला है। यहाँ पर आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन का बेस्ट ऑप्शन रहेगा आर मुस्तफ़ा, आसिफ अहमद, एस एडवेल्स, पीटर सेलर, दोस्तों यही आपको कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट रहने वाला है। आप किसी के भी साथ जा सकते हो दोस्तों, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों कि आप अपने हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन चुनिए, क्योंकि उससे आप विनिंग बहुत ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों।